नीचे जा रही हूँ एक पैकेज पिक करने एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और ये पैकेज बहुत एक्साइटिंग है तो मैं दिखाती हूँ क्या है। इसमें ना जैसे सारे ब्रांड्स लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या ब्रांड्स का सामान हो सकता है, तो बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड बॉक्स होता है एंड इसमें यू कैन ट्राई आउट लाइक न्यू टाइप ऑफ ब्रांड्स जो भी आ रहे हैं एंड लाइक अच्छे हाई एंड ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स हैं बट एट अ लोअर कॉस्ट। सो इसके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए तो बहुत अच्छे निकले, तो अब ये खोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग जब बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो ना ये बहुत अच्छा सा यहाँ लिखा हुआ है, दिस बॉक्स जस्ट गॉट अ नाइस स्टैंड। पैकेजिंग तो बहुत कमाल की है एंड देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो मैंने इसमें से ना लाइक यू गेट अ फ्यू ऑप्शंस एंड इसमें से तुमको सिलेक्ट करना रहता है कि ब्यूटी में तुमको क्या चाहिए एंड किस चीज़ में तुमको क्या चाहिए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, लैश ट्यूब। तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ मस्कारा, तो ये ब्लिंक कंपनी का है तो मैंने ये मंगाया है क्योंकि मेरे पास कोई मस्कारा नहीं है तो मैं ये ट्राई करूँगी इस बार। इसको खोल के देखते हैं। ओके सो दिस मस्कारा इज समथिंग लाइक दिस एंड अब इसको लगा के देखते हैं। प्रोडक्ट है ये बिचारी ब्रांड का और हाँ ये $54 का है तो आई थिंक इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा फाइन है इसके पर्ल्स, तो टी शर्ट में तो इतना समझ नहीं आएगा बट ऐसा है कुछ भी अच्छा है, क्यूट सा आरी कंपनी का बेचारा नेकलेस। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ड्रम रोल्स, थ्राइव कॉस्मेटिक्स का लिप हाइड्रेटिंग लिप टिंट, दिस इज द शेड मेलिसा, समथिंग लाइक दिस, लुक्स नाइस राइट। सो दिस इज मोर लाइक अ लिप ग्लॉस एंड लाइक थोड़ा सा ही टिंट है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज दिस, आई थिंक ये वो एंकलेट होगा। पैकेजिंग कितनी बढ़िया है ना, सिल्क डस्ट बैग। ओके सो क्यूट यार, दिस इज सो नाइस। ये तो मैं ब्रेसलेट जैसे भी पहन सकती हूँ। दो लिंक्स हैं तो एक ये है और एक ये है, अगर पैर पे समझ में नहीं आएगा तो हाथ में तो पहन ही सकती हूँ। सी दिस इज हाउ इट लुक्स एंड मैंने कभी एंकलेट नहीं पहना है तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल वेयर एन एंकलेट। नहीं समझ में आया तो ब्रेसलेट जैसे पहन लूंगी, इसमें क्या है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट और ये एक शर्ट है तो मैं दिखाती हूँ। ओके सो शर्ट कुछ ऐसी, एक्चुअली बहुत लॉन्ग है बट मैंने इसको अंदर टक इन कर लिया है एंड इस पर ये नेक पीस भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड फुल स्लीव्स है तो इसको लाइक मैं फोल्ड करके ऊपर भी बांध सकती हूँ, तो हाँ ये कुछ ऐसा। कमेंट्स बताना कैसा लग रहा है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। और नेक पीस कुछ ऐसा लग रहा है इसके साथ जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है ये आई शैडो स्टिक, प्राइस अबाउट है $24, इसका शेड है एंड इसको लगा के देखते हैं। तो आई शैडो लाइक पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है एंड स्टिक फॉर्म में भी हो सकता है, सो बट या इसका शेड ये है। सो तो ये मैंने फर्स्ट टाइम एंकलेट पहना अपनी लाइफ में, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन से पैर में पहनते हैं बट मैंने पहना। घर की क्लीनिंग चल रही है क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो हम क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो ना, तो इससे झाड़ू पोछा दोनों लग जाता है, सो इट्स गुड। एंड अभी मैंने ना रोटी मैटिक को थोड़ा क्लीनिंग पे लगा दिया है तो इसमें ना लाइक ड्रेन होता रहता है एंड ये क्लीन होता रहता है। ये देखो इसमें थोड़ा थोड़ा ना पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये क्लीन हो रहा है। और मैं मेरे को ना अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है तो ये मैंने ना 000 का 15 ग्राम प्रोटीन, तो ये बेसिकली योगर्ट है, इसमें ज़ीरो शुगर है क्योंकि मैं शुगर तो नहीं खा रही हूँ, एक महीना हो चुका है तो ये मैं अब खाऊँगी ना। बहुत यम्मी होता है, अगर आपको प्रोटीन अपनी डाइट में डालना है ना तो यू कैन ऑलवेज ऐड दिस योगर्ट, तो उससे प्रोटीन भी मिल जाएगा एंड आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आज हम खा रहे हैं मिक्स वेज की सब्जी एंड रोटी मैटिक में आज हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी
ये ऑलरेडी एक रोटी बन चुकी है, एज यू कैन सी रोटी इज कुकिंग। तो अब रोटी आ रही है, सो दिस इज। और हाँ, आज की अगर वर्कआउट की बात करें, एंड 6,694 स्टेप्स हुए हैं, 2.73 माइल्स, 80 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 484 कैलोरीज बर्न किए हाइक पे। शाम हो रही है एंड मैं जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी का सामान लेने, तो घर पे टमाटर ख़त्म हो गया था एंड अदरक ख़त्म हो गई थी, तो यस यहाँ पे सब करना पड़ता है। तो काफ़ी विंडी हो रहा है, देखो क्लाउडी एंड विंडी बोथ, वहाँ पे हॉट टब है। ओके, तो अपन चलते हैं नीचे एंड ये थैला ले जाना भी ज़रूरी है। नीचे तक आ गई थी बट बहुत बड़ी गलती हो गई, कीज़ भूल गई, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। भुलक्कड़ मी एज ऑलवेज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, केयरलेस। कोई बात नहीं, थोड़ी सी वॉक हो जाती है, सो इट्स फाइन। ऐसे भी अपन कोई काम धंधा तो है नहीं। वुमेन ज्यादा फॉग है। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक करना एंड डू शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।